हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टॉपर्स। एग्ज़ाम टॉपर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पेट 2023 के लिए चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5th है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी किसने लिखा? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में डेस में फांसी दी थी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चोरा घटना कब हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 5 फरवरी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट चिम्बराजो। यह विषुवत रेखा पर स्थित इक्वाडोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में विद्यमान में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटाखा किस देश की मुद्रा है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मकाओ। पनामा इसकी अमेरिकी डॉलर, और लाओस ये लाओ की, और मैक्सिको की जो मुद्रा है वो मेक्सिकन पैसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त सचिव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी,
M.S. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, M.N. राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्त की आयु डैश है, तो इसकी राइट ऑप्शन, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक, उल्टा और छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच क्या है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.4। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर की आग के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बाढ़ बागनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, मना धन रथ, और इसमें संधि विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन सी, विश्लेषण विवेचन। तो इसका जो विश्लेषण का विलोम होता है वो संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने रिलायंस जियो की दूर संचार कंपनी ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 9.99%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, माधुरी दीक्षित को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल जी ने कहा पुस्तक के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रजेंद्र रेही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा का वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 में एशिया के सबसे बड़े वायो सीएनजी प्लांट का कहां शुभारंभ किया? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिवहन क्षेत्र ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रेल परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का 100वां किसान स्पेशल रेल महाराष्ट्र के संगोला से किस शहर के बीच चलाया गया? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शालीमार से पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन ने हाल ही में किस कैरिबियाई देश को 55वां गणतंत्र देश घोषित किया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बारबाडोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 14 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी भारत रत्न। भारत रत्न वर्ष 1954 में प्रारंभ किया गया था। अब तक 48 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु नानक देव। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जवारा। जवारा लोक नृत्य, इसका संबंध मध्य प्रदेश से है, और जो धमाल, खोरिया और झूमर, इन तीनों का संबंध हरियाणा राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढलाई और ऊनाकोटी डैस राज्य के जिले हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। ढलाई और ऊनाकोटी जिले त्रिपुरा राज्य में हैं। इन दोनों जिलों के मुख्यालय क्रमशः अम्बासा और कैलाशहर हैं। वर्तमान में त्रिपुरा में 8 जिले हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला पश्चिम त्रिपुरा है, जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला दक्षिण त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वन्य जीव अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 75, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताएं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1 घंटा। शून्यकाल शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेस द्वारा सन 1962 में किया गया था। संसदीय भाषा में इसका अर्थ प्रश्नकाल के बाद की 1 घंटे की अवधि है। शून्यकाल के दौरान लोकहित के विषय में अति आवश्यक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 12। भारत में राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होती है, और राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं होता, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है।
तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तथा इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तथा इस चैनल पर आप लोग अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।